हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी गठबंधन सरकार अपना पहला बजट आज सदन में पेश करेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि मंगलवार को पेश होने वाले बजट से राज्य की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली होगी। सरकार का रुख स्पष्ट है, सरकार वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करेगी। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण पटरी से उतर चुकी वित्तीय व्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश होगी। पिछली सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई जिसका सीधा लाभ जनता को नहीं मिला, उत्पाद की गलत नीतियों के कारण राजस्व का नुकसान पहुंचा। राज्य में कार्यरत PSU से पिछली सरकार ने राशि लेने की कोशिश नहीं की, फिलहाल कोषागारों को किसी तरह से चलाया जा रहा है। 5 साल के दौरान की गई करतूतों को भी सुनने को तैयार नहीं, क्या इन्होंने अच्छा काम किया है, क्या उन्होंने बुरा काम किया है। और लेकिन सरकार बिल्कुल स्पष्ट है कि अब जिस तरीके से राज को दलदल में ढकेल दिया गया था, अब बड़ी तेजी से ये राज उभर कर ऊपर आएगा और मुझे लगता है राज के विकास में विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है। मैंने पहले भी कहा कि जिस विषय को लेकर आज ये लगातार विरोध कर रहे हैं वो स्पीकर महोदय के विशेष अधिकार के अंतर्गत आता है और आज विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर भी इनका सवाल है। अभी जब सभी चीजें प्रक्रियाधीन है, जब तक चीजें प्रक्रियाधीन पूरी ना हो और सिर्फ जबरदस्ती सदन को बाधित रखना, मैं नहीं समझता हूं कहीं से न्याय उचित। कई चीजें हैं आज इन लोगों ने एक्साइज में गलत नियम बना करके राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाया। आज कई राज्य में कार्यरत PSUs हैं, उससे राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए प्राप्त होने थे, उसको भी तत्कालीन सरकार ने नहीं किया। नतीजा आज स्थिति ऐसी है कि राज्य का कोषागार किसी तरीके से चल रहा है। हम लोग वित्त प्रबंधन पर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से तत्कालीन व्यवस्था ने राज्य की व्यवस्था को डिरेल किया है उसको हम लोग फिर से उभारेंगे। सबरंग समाचार के लिए रांची से रिजवान की रिपोर्ट।